इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया गया बेल का आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, पालक। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसे हम लोग खाना ही भूल गए हैं। हमारे घर में रहते बुजुर्ग लोग बरसों से पालक की सब्जी लगभग रोज खाया करते थे, परंतु हम फास्ट फूड के जमाने में पालक की तरफ देखते भी नहीं हैं। आपको यह जान लेना चाहिए कि कैंसर के कोशों का उत्पादन और इसे फैलने से रोके रखने वाली सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वह पालक की सब्जी है। कैंसर से बचना चाहते हैं उन लोगों को पालक का उपयोग रोज करना चाहिए। पालक में विविध प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और फोलेट प्रचुर मात्रा में होता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी पालक में मौजूद होते हैं। कैंसर के सामने लड़ने वाले कैरोटीनॉइड और फ्लेवोनॉइड जैसे साइट्रोन्यूट्रिशंस भी इसमें मौजूद होते हैं। न्यूट्रिशन वाले फूड की अगर सूची बनाई जाए तो पालक की भाजी का नंबर सबसे ऊपर आएगा। पालक का सेवन करने वाले लोगों को कॉलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है। पालक लो कैलोरी फूड है, इसलिए न्यूट्रिशंस तीव्र मात्रा में होते हैं। आधा या एक कप भर के कच्ची या फिर पकाई गई पालक अगर रोज खाई जाए तो शरीर को दिन में आवश्यक हो उतने विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। कैंसर के सामने लड़ने के लिए पालक कैसे सक्षम है और क्या काम करती है, आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। कैंसर का शरीर में विकास और वृद्धि स्टेप बाय स्टेप होती है। हर एक स्टेप में पालक मदद करती है। पालक में बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर का जोखिम घटाने में मदद करते हैं। इस विषय में थोड़ी टेक्निकल बात करें तो हमारे शरीर में रहते सभी कोशों के अंदर डीएनए होता है। डीएनए में कोई खराबी आ जाए तो वह कोश को खराब कर देता है। बिगड़ा हुआ या फिर खराब कोश सक्रिय होकर विभाजित होने लगे तो सभी कोशों के डीएनए के ऊपर खराब असर देखने को मिलता है। समय के चलते धीरे धीरे बिगड़े हुए कोशों की संख्या बढ़ती जाती है और मनुष्य को बाद में कैंसर का निदान होता है। साइटोन्यूट्रिशंस, विटामिन्स और मिनरल्स हम सही मात्रा में अगर ले रहे होते हो तो डीएनए खराब नहीं होता है। दुरुस्त डीएनए के कारण कोश भी अच्छे रह सकते हैं, कैंसर का जन्म नहीं होता है। कोशों का शरीर में विभाजन क्रमशः चलता रहता है। कोई कोश शरीर में बिगड़ भी जाता है तो रिपेयर करने के लिए पूरा समय भी कुदरत या फिर हमारा शरीर हमें देता है। अगर हम लोग पालक जैसी सब्जी या फिर साइट्रोन्यूट्रिशंस अच्छे प्रमाण में ले रहे होते हो तो कोश का रिपेयरिंग भी अपने आप हो जाता है, फिर से कोशों की साइकिल नियमित हो जाती है। पालक की जैसी पत्तियों वाली सब्जी ट्यूमर को रोकने का या फिर उसे तोड़ देने का गुण रखती है, यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कैंसर के कुछ एक्सपर्ट्स लोगों का मानना है कि पालक में विटामिन सी और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन होते हैं जो कैंसर के फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं। पालक में ऊंचे प्रमाण में फोलेट होता है जो कोशों के विभाजन के समय पॉजिटिव इफेक्ट करता है। अभ्यास में देखा गया है कि जो लोग फोलेट तत्व का सेवन अच्छे प्रमाण में करते हैं उन्हें कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। हालांकि आपको डायटरी फाइबर ही लेना चाहिए, फोलेट के सप्लीमेंट लेने का विचार भी आपको नहीं करना चाहिए। सप्लीमेंट के तौर पर अगर फोलेट लिया जाए तो उसे फोलिक एसिड कहा जाता है जो कोलोरेक्टल कैंसर में उपयोगी नहीं होता है। फोलिक एसिड का ज्यादा सेवन किया जाए तो वो भी जोखिम भरा साबित हो सकता है। तो हम लोग पालक की बात करें तो उसमें रहता विटामिन ए, B6 और फोलेट रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाता है जो हर एक प्रकार के रोग को मिटाने में मदद करता है। पालक सूजन प्रतिरोधक है, क्रोनिक डिसीज से भी हमें बचाती है। साइटोन्यूट्रिशंस ऐसा तत्व है जो दरअसल बायोएक्टिव कंपाउंड होता है। साइटोन्यूट्रिशंस फल, सब्जियां, अनाज, दलहन, ड्राई फ्रूट, चाय, कॉफी और मसालों से हमें मिलता है, जिसका सेवन रोज अगर प्रमाण में किया जाए तो कैंसर से बचा जा सकता है। फल और सब्जियों का प्रमाण हमारे भोजन में इसीलिए बढ़ाना चाहिए। पालक में साइटोन्यूट्रिशंस आसानी से और सस्ते में मिल जाते हैं। कैंसर के सामने लड़ने के लिए पालक सबसे अच्छा फूड है। 2 से 2.5 कप फल और सब्जियां हमें रोज खानी चाहिए और इसमें पालक का समावेश अवश्य करना चाहिए, ऐसा संशोधकों का मानना है। दोस्तों, पालक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। आप सबका दिन शुभ रहे।